नमस्कार किसान भाइयों, किसान भाइयों मैं पीआर मीना आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान फायदे का सौदा के ऊपर। कर लेते हैं सीधे इस ट्रैक्टर के बारे में। तो साथियों आप लोगों को मैं सबसे पहले बताऊं इस ट्रैक्टर का मॉडल। तो जो ये ट्रैक्टर आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इसका जो मॉडल है 2004 मॉडल ये ट्रैक्टर है। तो 2004 मॉडल ट्रैक्टर आपको ये है जो मिलेगा साथियों। 2004 मॉडल तो ये ट्रैक्टर है ही, साथ ही इसकी जो कंडीशन है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। साथियों इसके जो टायर है पीछे वाले टायर आप देख रहे हैं अपोलो के टायर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ अपोलो के टायर है। और ये टायर कितने परसेंट है, लगभग 80% के आसपास ये टायर इसमें है। तो 80% टायर आप पीछे वाले हैं और लगभग 60% टायर इसमें ये आगे वाले हैं, लगभग 60% के आसपास आगे वाले टायर इस ट्रैक्टर में हैं। ट्रैक्टर की कंडीशन आप देख रहे होंगे, आपको भी नज़र आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे कितनी बढ़िया कंडीशन में ट्रैक्टर अभी क्या है, ट्रैक्टर धुला हुआ नहीं है, चला है मतलब चल रहा है चाटी के अंदर, आप देख सकते हैं पीछे इसमें चाटी लगी हुई है यहाँ पे। तो इस वजह से आपको ये ऐसे साफ़ सुथरा नहीं नज़र आ रहा है, वरना ये ट्रैक्टर काफ़ी बढ़िया और काफ़ी साफ़ सुथरा ट्रैक्टर है। जैसे आप ऊपर के कलर को देख के भी इसके बारे में जान सकते हैं कि ट्रैक्टर कितना चला हुआ है और कितना नहीं चला हुआ है, ऐसे भी आप इसको देख सकते हैं और जान सकते हैं। एक मिनट किसान भाइयों, हाँ साथियों ट्रैक्टर के इंजन के काम के बारे में बात कर ले तो लगभग 80% के आसपास इस ट्रैक्टर में अभी वर्तमान में इंजन है। तो लगभग कितने परसेंट इसमें इंजन है, तो 80% के आसपास ट्रैक्टर में इंजन है, काफ़ी बढ़िया और साफ़ सुथरा ये ट्रैक्टर है। तो साथियों आपने देखा ट्रैक्टर को इस साइड से, काफ़ी बढ़िया ट्रैक्टर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हर चीज़ को अच्छी तरीके से, कहीं पर टूट फाट नहीं है, गलावट नहीं है, रिम भी देख सकते हैं आगे वाले और ये पीछे वाले रिम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, कहीं पर भी गलावट वगैरह नहीं है, ना कहीं पर टूट फाट है, ना कहीं पर वेल्डिंग वगैरह है, एकदम ओके कंडीशन में 2004 मॉडल ये ट्रैक्टर है। साथियों अब मैं आप लोगों को इसके जो नंबरों के बारे में और इसकी कीमत के बारे में भी आगे वीडियो में बताऊंगा। तो साथियों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा लेना। यहाँ पे आप दूसरी तरफ से देख सकते हैं ट्रैक्टर को, तो दूसरी तरफ से देख नहीं पाएंगे कि आप कितना साफ़ सुथरा ये ट्रैक्टर है, कलर कहीं पर फॉल्ट नहीं है, यह हल्का फुल्का फॉल्ट है। तो ये 2003 2004 2002 मॉडल 2001 मॉडलों में ये शिकायत थी, उसके बाद में ये शिकायत नहीं थी कलर की, इस वजह से ये कलर की थोड़ा पापड़ी ले रहा है, वरना ऐसे साफ़ सुथरा ट्रैक्टर है। आप ये टायर भी देख सकते हैं, इधर वाले रिम, ये पीछे वाले रिम, चारों तरफ से आप ट्रैक्टर को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो इधर से भी आप ट्रैक्टर को देखेंगे तो देख पाएंगे कि कितना साफ़ सुथरा ये ट्रैक्टर है। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ पीछे से ट्रैक्टर की लैंके। यहाँ आप पीछे से देख नहीं पाएंगे, ट्रैक्टर में जो लैंके लगी हुई है वो साथ की लैंके है और टूट फाट नहीं है एकदम, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे एकदम साफ़ सुथरी लैंके है। और ये टायर वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने परसेंट टायर है, ट्रैक्टर का हुक देख सकते हैं इस तरीके का हुक है, एकदम साफ़ सुथरा ट्रैक्टर है। किसान भाई ने इस ट्रैक्टर को लेने के बाद में उन्होंने इस ट्रैक्टर को ना तो ट्रोली में चलाया है ना थ्रेसर में चलाया है, मात्र खेती के कार्य में उन्होंने इस ट्रैक्टर को चलाया है। तो इस वजह से ये ट्रैक्टर काफ़ी साफ़ सुथरा है, क्योंकि ट्रैक्टर जो टूटता है वो ट्रोली के अंदर टूटता है या फिर थ्रेसर मशीन जब हम चलाते हैं तो उसके अंदर ट्रैक्टर खराब होता है। ऐसे खेती के लिए तो ट्रैक्टर में काफ़ी ताकत रहती है और ना ही इतना ट्रैक्टर ज़्यादा परेशान होता है। यहाँ पे आप आगे से भी देख सकते हैं ट्रैक्टर को, आगे से देखने भी देख सकते हैं किस तरह की कंडीशन में ये ट्रैक्टर है आगे से। तो साथियों अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ जल्दी से इसके जो नंबर है वो कहाँ के है। तो RJ02 में आपको ये मिलेगा, मतलब अलवर नंबरों में आपको ये ट्रैक्टर मिलेगा, तो अलवर नंबर में ये ट्रैक्टर आपको मिलेगा। तो देख लीजिए साथियों अलवर नंबर में, और अगर आप इस ट्रैक्टर को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाना, अब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको किसान भाई के नंबर मिल जाएंगे। साथ ही साथियों आपको बता दूँ इस ट्रैक्टर की जो कीमत किसान भाई मांग रहे हैं वो मांग रहे हैं 260,000 रुपये, 260,000 रुपये किसान भाई इस ट्रैक्टर की कीमत मांग रहे हैं। अगर आप 260,000 रुपये में इस ट्रैक्टर को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में जाके किसान भाई के नंबर लेना और उनसे बात करना। और अगर आप भी अपने ट्रैक्टर या कृषि यंत्र का किसी भी कृषि यंत्र का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमारे जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन पर आप हमसे व्हाट्सअप से या कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने कृषि यंत्र का वीडियो बनवा के हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर डलवा सकते हैं। अब साथियों मैं आप लोगों को इस ट्रैक्टर का वीडियो दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों ट्रैक्टर का वीडियो चारों तरफ से, ये पंप के पास से आप देख सकते हैं कहीं पर भी टूट फाट नहीं है, एकदम साफ सुथरा और काफ़ी बढ़िया ट्रैक्टर आज आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं। देख सकते हैं साथियों आप RJ02 में अलवर नंबरों में आपको ये ट्रैक्टर मिलेगा। कीमत मैंने बताई थी 260,000 रुपये किसान भाई ट्रैक्टर की कीमत मांग रहे हैं। अगर आप इसमें मतलब खरीदना चाहते हैं कीमत कम की बत्ती हो सकती है, ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि 260 फिक्स है। यहाँ टायर वगैरह आप देख सकते हैं। तो साथियों आज का ये था वीडियो, कल एक और वीडियो में एक और जानकारी के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हो जाएंगे। तब तक हमें दीजिए आज्ञा, जय हिंद।